सुप्रभात साथियों, आप सबों के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वह आर्क सेंटर मेथड। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह टॉपिक तब हम पढ़े हैं जब इससे पहले हम तीन टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, अर्थात इलिप्स तीन हम लोग जान चुके हैं। कौन कौन से जान चुके हैं दोस्तों? फोर सेंटर मेथड जान चुके हैं, रेक्टेंगुलर मेथड जान चुके हैं, कॉन्सेंट्रिक मेथड जान चुके हैं। तो चौथा टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आप सब क्या कीजिए, सबसे पहले लाइक बटन को दबा देना है और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और जो भी अपने दोस्त हैं उन सभी के पास शेयर कर देना है ताकि उनको क्या हो, सबको आराम से फ्री में पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, आराम से वो सीख सकें। क्योंकि यह दोबारा हासिल नहीं होता है, दोबारा कोई भी चीज जो एक बार गुजर जाता है लाइफ से, फिर दोबारा हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब आपका समय जो चल जाता है वो समय कभी वापस नहीं आता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप लोग सबके पास शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है आर्क सेंटर मेथड। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि किसी भी इलिप्स से पहले हमको क्या जानना चाहिए, मेजर डायमीटर। क्या जानना है? मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर कुछ जान लेना होगा और माइनर डायमीटर लेना होगा। मेजर डायमीटर क्या होता है? मेजर डायमीटर होता है जो दीर्घवृत्त का सबसे बड़ा डायमीटर होता है। हम लोग जानते हैं मेजर डायमीटर क्या होता है, जो सबसे बड़ा डायमीटर होता है। सपोज दैट 120 मैंने ले लिया है। माइनर डायमीटर जो सबसे छोटा डायमीटर होता है, सपोज दैट मैंने 80 ले लिया है। तो यह मेरा मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर प्राप्त है। अब इसके अनुसार हमको क्या तैयार करना है? तो इलिप्स तैयार करना है। क्या तैयार करना है दोस्तों? इलिप्स तैयार करना है। कौन से मेथड से? आर्क सेंटर मेथड से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेजर डायमीटर लेंगे। मेजर डायमीटर लेके क्या करेंगे दोस्तों? एक सरल रेखा खींच देंगे। एक सरल रेखा खींचने के बाद हम जानते हैं दोस्तों क्या करते हैं, एक पॉइंट डालते हैं, यहां से 120 का पॉइंट लगा देंगे। 120 के पॉइंट लगाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों? कोई नाम डाल दिए, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब जो 120 ये है पूरा, इसको हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं। हाफ यानी कि 60 करके पॉइंट लगा दिए, और 60 पर से क्या करना है दोस्तों, 90 डिग्री कर देना है, जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। इतना काम हम लोग कर दिए। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों? अब हमें इसका जो अलग है औरों के अपेक्षा वो जानना है। इतना तो सब में कर रहे थे, ये तो कॉमन चीज था। अब हमको नया क्या करना है? नया ये करना है कि हमको फोकस निकालना है। जब तक हम फोकस निकाल लेंगे नहीं, तब तक हमको काम नहीं होगा। क्योंकि आर्क सेंटर मेथड है, हमको दो सेंटर निकालना है, ठीक है दोस्तों। तब इसके लिए हमको क्या करना है कि टोटल जो माइनर डायमीटर है उसका आधा ऊपर 40 का पॉइंट लगा दिए। 40 का पॉइंट लगाने के बाद यहां 60 क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कंपास सबके पास होगा, ये सबके पास है। बस यहां से सेंटर से क्या करना है, ये माप ले लेना है। अर्थात कितना ले लेना है? 60 एमएम माप ले लेना है। और उसको क्या करना है, इस पॉइंट पे सुई रखना है। कहां पे? इस पॉइंट पे। अर्थात यहां पे हम लोग सुई रखेंगे, कितना, 60 मापने के बाद उसके बाद सुई यहां रखेंगे, और जहां भी आएगा वहां पर हम क्या करेंगे, चाक खींच देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करेंगे, वह सुई को यहां पर रखेंगे और चाक खींच देंगे, हमको ये पॉइंट प्राप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट एक तरफ से चाहे ना भी चाहे तो एक तरफ से भी करेंगे तो हमको हासिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी हम क्या करेंगे, यहां भी यहां पे है, उससे पहले इधर से फिर चाप लेंगे, वही चाप जो चाप इधर लिए थे उसी चाप को इधर क्या करेंगे दोस्तों, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगा देंगे, मेरा क्या निकल गया, यह दो चीज निकल गया। क्या निकल गया? फोकस। क्या निकल गया दोस्तों? फोकस F1 और F2 हमको प्राप्त हो चुका है दोस्तों। F1 और F2 प्राप्त हो चुका है। अब F1 और F2 प्राप्त हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे यह सपोज डेट मैंने रख दिया O, नाम डाल दिया है। अब F1 और O को चार भागों में डिवाइड कर देंगे। यह दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है कि कोई 5 बराबर भागों में कर दे, कोई 6 बराबर भागों में दे, कोई 4 बराबर भागों में दे, इसका कोई, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। आप चाहे तो 3 भाग में भी डिवाइड करेंगे तो भी वो बनेगा, 4 भाग में करेंगे तो भी बनेगा, 5 भाग में करेंगे तो भी बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, मेथड वही है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, बस इसको 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक है। तो 4 भागों में कितना को बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक माप ले लेंगे। सपोज दैट यहां से यहां तक 40 माप आता है, जितना भी माप आए उसमें से भाग दे देना है, कितना से, 4 से। तो यहां से हम मान लेते हैं कि 40 माप आया, तो क्या करेंगे, उसमें 4 से भाग दिए तो मेरा क्या हुआ, 10 10।
तुम क्या करेंगे, दस दस का पॉइंट लगा देंगे दोस्तों। लगा दिए दोस्तों, 1 2 3 पॉइंट आ गया, नाम डाल दिए ताकि हमको दिक्कत ना हो। अब इतना कर लिए दोस्तों, आधी कर लिए होइएगा, नहीं किए हो तो पॉज कर दीजिए और इतना काम कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। अब कंपास का कमाल है, बस इसका कमाल है, इसको देखते जाना है और करते जाना है। इसको क्या करना है, कंपास को यहां से दोस्तों ए पे रखना है और एफ वन पे जाना है। कहां पे रखना है दोस्तों, ए पॉइंट पे रखना है और एफ वन पे जाना है। एफ वन पर माप ले लेंगे यहां से वन के बीच में और तब इसको उठा लेंगे वहां से। फिर किस पे रखेंगे, एफ वन पे रखेंगे। एफ वन पे रख के और क्या करना है दोस्तों, चाप खींच देना है, उधर भी खींच देना है दोस्तों और फिर एफ वन से इधर भी खींच देना है। कंफ्यूजन ना हो दोस्तों, हमेशा चाप एफ वन और एफ टू से ही खींचा जाएगा, हमेशा चाप एफ वन और एफ टू से ही खींचा जाएगा और किसी पॉइंट से चाप नहीं खींचा जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। फिर यही काम हम क्या करेंगे, ये सी माप को इधर से भी ले लेंगे, अर्थात यहां से भी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां से भी हम वही काम करेंगे जो उधर किए थे, अर्थात ये माप ले लिए, अर्थात इससे हम माप फोकस से काट दिए, ठीक है दोस्तों। फोकस से काट देने के बाद क्या हुआ, दोनों तरफ कर लिए। एफ वन से माप लेने के बाद एफ वन पे रखे और इसे और फिर नीचे मार दिए, फिर यहां से एफ टू पर से ऊपर भी मार दिए और नीचे भी मार दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, बस इसी को थोड़ा बड़ा करेंगे। बड़ा करेंगे तो क्या होगा, ए और टू पर जाएंगे। कहां पे जाएंगे दोस्तों, ए और टू पर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ए और टू पर जो ही गए चले गए, फिर इसको क्या करेंगे, माप लेने के बाद ए और टू को माप लेने के बाद एफ वन पर फिर रखेंगे और एफ वन से फिर क्या करेंगे, इधर दोस्तों खींच देंगे और फिर क्या करेंगे, नीचे भी खींच दिए, कोई दिक्कत। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसी चाप से फिर क्या करेंगे, एफ टू पे जाएंगे और यहां से इधर भी पॉइंट मार देंगे, फिर इधर भी पॉइंट मार देंगे। कहां से, एफ टू से, कोई दिक्कत यहां तक। अब हम चलते हैं किस पे, एफ थ्री पे चलते हैं दोस्तों। एफ थ्री पर फिर इसको चाप को बड़ा करेंगे, कहां जाएंगे, ए से थ्री पे। माप लेने के बाद क्या करेंगे, एफ वन पे सुई को रखेंगे और क्या करेंगे दोस्तों, मार देंगे क्या, पॉइंट, कोई दिक्कत। फिर वही काम करेंगे, इधर एफ टू पर भी रखेंगे, मार देंगे क्या, पॉइंट, कोई दिक्कत दोस्तों। ये मेरा ये काम हुआ है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा दोस्तों, सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा। अब हमको क्या करना है दोस्तों, करना ये है कि अब हमको कहां रखना है, बी पे रखना है। कहां रखना है दोस्तों, बी पे रखना है सुई और इसको खींच के कहां लाना है, एक पर। कहां पर खींच के लाएंगे दोस्तों, एक पर। एक पर जब हम खींच के लाएंगे कहां से, बी पॉइंट से। बी से हम वन तक का माप लेंगे और वन तक का माप लेने के बाद उस सुई को उठाकर कहां रखेंगे, एफ टू पे। कहां पर रखेंगे दोस्तों, एफ टू पे। और एफ टू पर से रखने के बाद क्या करेंगे, इसको दोस्तों काट देंगे। एफ टू पर रखने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसको काट देंगे। कहां से लिए, पहले माप लिए हम बी से लेकर वन तक और उसके बाद उस सुई को उठा के कहां रखे, एफ टू पर, और क्या किए, चाप को काट दिए। ये दोनों कट जाएगा आपस में, बन जाएगा पॉइंट, कोई दिक्कत। अब फिर क्या होगा दोस्तों, फिर बी पर से किस पर लेंगे, दो पर। सॉरी दोस्तों, ये जो चाप काटे इसी को उठा करके फिर एफ वन पर रखेंगे और इधर भी काट देंगे, ठीक है दोस्तों, ताकि दोनों काम मेरा एक साथ हो जाए। वही माप होगा, बी के रख के वन के रख पर माप ले लेंगे, फिर उठा को कहां रखेंगे, उसको बी टू पे रखेंगे और हम इसको काट देंगे। फिर वही काम, एफ वन पे रख के इसको काट दिए, ठीक है दोस्तों। अब हम चलेंगे बी से टू तक का माप लेंगे। कहां से दोस्तों, बी से टू तक का माप लिए और टू तक माप लेने के बाद उसको क्या करेंगे, चाप को उठा के कहां रखेंगे दोस्तों, फिर एफ टू पर रखेंगे और किसको काट देंगे, इसको और इसको काट देंगे और फिर उसी सुई को उठा के कहां रखेंगे, एफ वन पे, और फिर क्या करेंगे, इसको काट देंगे, कोई दिक्कत यहां तक। अब दोस्तों फिर आगे वही काम करेंगे, बी से कहां तक माप लेंगे, थ्री तक। चाप ले लिए, माप ले लिए, फिर उसको उठा के कहां रखेंगे, एफ टू पर, और ऊपर भी काट देंगे, नीचे भी काट देंगे। फिर इसी को घुमा के कहां रखेंगे, एफ वन पे रखेंगे और क्या करेंगे, इसको काट देंगे। स्टेप बाय पाउज करके सारा इसी तरीके से करते चले जाइएगा, सारा पॉइंट आपको कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। सभी का पॉइंट लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत। सारा पॉइंट हो गया दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है। अब क्या कमाल है, हम लोग जानते हैं
कि पॉइंट निकाल लेने के बाद हम लोग कौन सा काम करते हैं, बस फ्रेंच कर्व। हम लोग क्या निकाल लेंगे, फ्रेंच कर्व, फ्रेंच कर्व का सारा सेट निकाल लेंगे। अब इसमें से जो सेट करेगा उसके अनुसार फ्रेंच कर्व आप लोग को बताए हुए हैं, तो फ्रेंच कर्व का जो सेट 12 सेट में यह पाया जाता है, 12 सेट को निकालेंगे। इसमें से क्या करेंगे दोस्तों कि तीन पॉइंट लेके चलेंगे दोस्तों, इधर से तीन पॉइंट लेके चलेंगे। इस तीनों को क्या करेंगे आपस में, जिस सेट हो तीनों पॉइंट पर जो पकड़े उससे हम क्या करेंगे, उसको जिससे जो तीनों पॉइंट को टच करता है उसको लेकर के और हम तीनों को मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, मिला दिए दोस्तों। फिर वही काम हम इधर भी करेंगे, तीनों पॉइंट को मिला दिए, कोई दिक्कत दोस्तों। फिर क्या करेंगे, उससे आगे का दूसरा लेंगे और वहां बैठाएंगे कि इस तीनों पर कौन सा सेट कर रहा है, जो नंबर सेट करेगा उस तीनों नंबर पर को क्या करेंगे, इस तीनों को आपस में मिला देंगे। फिर वही काम यहां भी करेंगे, इधर से भी इस तीनों को मिला के देंगे दोस्तों। फिर अपोजिट साइड इस तीनों को भी मिला देना है और इस तीनों को भी आपस में मिला देना है। देखिए दोस्तों, अब मेरा ऊपर तीन पॉइंट बच गया और नीचे तीन पॉइंट बच गया। फिर देखेंगे दूसरा नंबर, जिस नंबर से यह तीनों पॉइंट को टच करे उससे हम क्या करेंगे, इस तीनों को आपस में टच कर देंगे। तीनों जब आपस में सेट हो जाएगा, टच हो जाएगा, उसको हम क्या किए, मिला दिए। जो ही मिला देंगे तो मेरा क्या तैयार हो जाएगा दोस्तों, एलिप्स तैयार हो जाएगा। कौन सा एलिप्स, आर्क सेंटर मेथड, आर्क सेंटर मेथड मेरा एलिप्स बनकर तैयार हो गया। यहां तक हम आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। अब इसमें चाहे तो आप इस सब का नाम भी दे दें, सपोज दैट सी डी ई एफ जी एच, सी डैस डी डैस ई डैस एफ डैस जी डैस एच डैस। ठीक है दोस्तों, सारा का नामकरण कर दिए, हो गया। अब आराम से मेरा क्या हो गया, पूरा फाइनल आर्क सेंटर मेथड इलिप्स। ठीक है दोस्तों, अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें क्या हो कि पता चले आपके राय के बारे में, आप संतुष्ट हुए या नहीं हुए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके परेशानी को दूर करें। ठीक है दोस्तों, तो बस करना क्या है, लाइक कर देना है और जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास शेयर कर देना है। सिर्फ शेयर नहीं करना है, उन्हें यह भी बता देना है कि इसे सब्सक्राइब कर देने लेना है और देखना भी है, इसका फायदा उठाना है उन्हें। तो फिर ये मौका दोबारा मिले या ना मिले तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए दोस्तों इसका पूरा पूरा आप लोग फायदा उठाइए, ताकि आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, आपको किसी तरह का परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय दोस्तों।